अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12, 36 एंड 60 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। यहाँ हमारे पास इस वक्त तीन वैल्यूज़ हैं, 12, 36 एंड 60। अब इन्हें डिवाइड किससे करना है? डिवाइड हमें इन्हें करना है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ तीनों ही वैल्यूज हमें 2 से डिवाइड होती हुई नजर आती हैं, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। 2 के टेबल में अब यहाँ 36 है तो हम डिजिट बाय डिजिट इसे डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 60 अब हमें देखना है, तो पहले हम 6 देखेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम 0 इज 0। अभी भी दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 18 आता है 9 पे और 2 के टेबल में 3 नहीं आता उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और बन गया 10 और 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू हमें 2 से डिवाइड होती हुई नजर नहीं आ रही। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और ये तीनों वैल्यूज 3 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 9 आता है 3 पे और 15 आता है 5 पे। अभी भी ये 3 से ही डिवाइड होगा। यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 5 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 को देख प्राइम नंबर है, 5 को ही हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों वैल्यूज को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम प्राइम नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई जिनसे हमने इन तीनों वैल्यूज को एंड तक किया है डिवाइड। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है पता चल जाए। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 3 इज 36 और 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 5 से। वो हम रफ अप में भी करके देख सकते हैं, जब हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 5 टाइम 6 इज 30 का 0, 3 कैरी। 5 टाइम 3 इज 15, 15 प्लस 3 18। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 12, 36 एंड 60 का, जो कि है 180। देखा आपने कितनी जल्दी बाय डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।